आइडल है, मुझ पे ये दिल पागल है, तेरी सिंगिंग पे दुनिया हो गई अब घायल है। ए सुन के ताना जी, आशिकी में तेरी जा जाएगी जा मेरी, ओ आशिकी में तेरी जा जाएगी जा मेरी। ए सुन के ताना जी, आशिकी में तेरी जा जाएगी जा मेरी, ओ आशिकी में तेरी जा जाएगी जा मेरी। थैंक यू एचआर। पी वाला ठुमका लगाओ, यूपी वाला ठुमका लगाओ, गेरो जैसे नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ, संग संग तुझे भी नचाओ, गेरो जैसे नाच के दिखाओ, जैसे नाच के दिखाओ। बड़े दिनों बाद मिली ऐसी खुशहाली,
अंकुरा, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ. मेरी दादी जी 102 साल की हैं और जब भी इंडियन आइडल टीवी पे आता है उस वक्त उनके सोने का समय हो जाता है, लेकिन खास करके वो जगी रहती हैं सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस सुनने के लिए. वो आपकी बहुत बड़ी एडमायरर है. हेलो सर, कैसा लगा सर? वंडरफुल, एब्सोल्युटली, बोथ द सॉन्ग्स वर. रिदम, स्टेज इज ऑल योर्स. रिदम के लिए एक बार जोरदार तालियां. मैं इस मिट्टी दा पुत्र हां, ते मैं खालिस हिंदुस्तानी. जिन लोगों की हम बातें कर रहे हैं आज, चाहे वो CRPF हों, चाहे वो लाइफगार्ड्स हों, तो सबसे पहले तो इनका धन्यवाद करना हमारा फर्ज बनता है. जो गाना रिदम आपने गाया, एक इंडिया का सेलिब्रेशन है ये गाना. आपका वर्जन काफी हद तक आपका खुद का था, स्पेशली जो एडलिब आपने बनाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सर. उसमें जो रूहानियत थी वो मुझे बहुत असली लगी. So congratulations. Thank you, sir. Thank you so much. A-A-L-I-A Aliya. किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, मेरी जान एक दिन मेरे साथ होगी. किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, मेरी जान एक दिन मेरे साथ होगी. मगर कब ना जाने ये बरसात होगी. मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला. जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा मेरी तकदीर है तू. मचल के सामने आ, मेरी महबूबा
कब से मगर मैं हूँ जब से मेरे दिल में तेरी मोहब्बत है तब से मैं शायर हूँ तेरा तू मेरी गजल है बड़ी बेकरारी मुझे आजकल है बड़ी बेकरारी मुझे आजकल है मुझे आजकल है जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा 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 पहले तुमने कैसे कहा था किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी ऐसा नहीं है पहले आ रहा है कैसा किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी टक टिक इसके बाद तुम ओ लॉन्ग नोट करके उससे पहले ना स्टेगाटो ये स्टाइल है ना जी सर इसमें वो कर लेते तो शुरू में मजा आ जाता छोटा एक चीज मेरे को लगा तो मैं बता दिया ठीक है ना ध्यान में रखूंगा फैंटास्टिक सिंगिंग फैंटास्टिक शानुदा की आवाज में एक भार है एक वजन है मतलब ऐसा लगता है कि कोई स्ट्रॉन्ग एंड यू नो मैच्योर लवर गा रहा है आपकी आवाज में ऐसा लगता है कि बहुत फ्रेश बहुत यंग मतलब 20 साल का पहली दफा प्यार जो कर रहा है वो गा रहा है ऐसा आई रियली एंजॉयड दैट ग्रेट जॉब थैंक यू सो मच सर इस फिल्म का गाना गाया आपने सानुदा का उस फिल्म में मेरा भी एक रोल था और दो दिल मिल रहे हैं गाने में कुछ लाइंस मैंने भी गाए थे सानुदा के साथ और उस रिकॉर्डिंग में मैं मौजूद था सानुदा ने लिटरली 10 मिनट में गाना सीखा और जो आप सुन रहे हैं सीडी और कैसेट में वो एक टेक में गाया है सानुदा ने लिटरली एक्चुअली क्या ये गाने में सुभाष घाई जी अपना जो महान डायरेक्टर है जी उनका एक आदत उस समय हुआ करता था एक बार जब पहले गाना रिकॉर्ड कर लेते थे उसके बाद उन सुनते हैं कुछ करते हैं जैसा होता है ना परफेक्शन जो होता है शूटिंग पे जाते थे उससे पहले और एक बार डब कराते थे मैंने ये सुना और मेरे को नादिम सरवर जी ने ये बात बताया तेरे को जितने बार बोलेगा तू उतने बार मतलब ठीक है दादा मैं आप चिंता ना करो आप मेरे को माइक में जाने दो आप बिल्कुल चिंता ना करो मैं थोड़ा सा भी जितने बार बोलेंगे उतने बार गाएंगे और एक ही टेक गाया सुभाष जी मेरे को सीने से लगा के बुला के मेरे को जो चाहिए था मिल गया नायक नहीं खलनायक हूँ मैं जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं है प्यार क्या मुझको क्या खबर बस यार नफरत के लायक हूँ मैं नफरत के नायक नहीं खलनायक हूँ मैं 1 2 3 4 जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं है प्यार का मुझे को क्या खबर बस यार नफरत की लायक हूँ नायक नहीं नायक हूँ मैं जुल्मी बड़ा जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ जन्म जन्म हो तू ही जमी आसमां जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ जन्म जन्म हो तू ही जमी आसमां ये है खबर दिल में कहीं रब रहता है मगर मेरे दिल में
सबको मनाने मंदिर मजारों तक जाती है, घर में ही मेरे होता है तीरथ, मुझको नजर जब माँ आती है, मुझको नजर जब माँ आती है, जन्म जन्म तू मेरी अरदास माँ, जन्म हाँ जन्म तू मेरा विश्वास माँ, सच का पता दिल में ही है और मुझको ये पता मेरे दिल में रहती, भोली भाली मेरी माँ, भोली भाली मेरी माँ। जब से मैंने नए रिदम को देखा है जो बिल्कुल शाय नहीं है और जो हर तरह के गाने गा लेता है, उस रिदम को जब से मैं देख रही हूँ, मैं आई फील आप जो भी गाते हो आपकी सिंगिंग इतनी क्लीन है, मैं कॉन्फिडेंट होती हूँ जब आप स्टेज पे आते हो तो मुझे पता ही है कि आपके सुर जाएंगे ही नहीं, यू आर दैट गुड। एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली। रिदम आज मदर स्पेशल है, आप अपनी मम्मी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज मम्मा नहीं है यहाँ पे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। ये गाना जो मैंने गाया उनको, मतलब उनको डेडिकेट किया, बस उनको याद करके उनकी तस्वीर आंखों के सामने रख के। इंडियन आइडल 15 अगस्त 12 से 12 ग्रेटेस्ट फिनाले एवर सोनी पर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।